दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी को जैन के करीबी के घर से 2.82 करोड़ रुपए कैश और काफी मात्रा में सोना बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि छापेमारी में भारी मात्रा में कैश के साथ 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमें छापेमारी कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ही हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन जैन के करीबी के घर से तकरीबन 3 करोड़ कैश बरामद किया गया। गौरतलब है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया गया। जैन अभी 9 जून तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।